गुजरात चुनाव में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल की क्या जिम्मेदारियां होंगी। बहुत बड़ा ये सवाल है क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल उन्होंने कहा कि मोदी शाह के एक सेनापति के तौर पर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था 6 महीने पहले और वो बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हार्दिक पटेल को जिन जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है, जिस सीट से खड़ा किया जा सकता है, अब बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। और इन्हीं तमाम खुलासे के साथ एक और यहाँ पर चौंका देने वाली बात भी निकल कर सामने आई कि कैसे बीजेपी की आगे रणनीति इस गुजरात चुनाव में हो सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है गुजरात में अपना डंका बजाने के लिए, खासकर आम आदमी और बीजेपी ने। कांग्रेस भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है लेकिन उतना दमखम नहीं दिखा पा रही। लेकिन हार्दिक पटेल जो अभी शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनकी भूमिकाओं को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए गए, उनसे सवाल भी किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मोदी कैबिनेट से दूर की बात है, लेकिन हाँ, उनके लिए जो काम बन पड़ेगा करेंगे, जो वो जिम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे। लेकिन मुलाकात करी अमित शाह से हार्दिक पटेल ने और उन मुलाकातों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि किन सीटों से आगे किया जा सकता है हार्दिक पटेल को और कैसे बड़ा खेला करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2022 के चुनाव में उतर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल लगातार विरमगाम में सक्रिय हैं। हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हार्दिक ने हाल ही में गुजरात के प्रवास पर आए गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। गृह मंत्री अपने जन्मदिन के अगले दिन गुजरात पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दरमियान हार्दिक की गृह मंत्री से मुलाकात हुई। इससे पहले जब गुजरात गौरव यात्रा विरमगाम पहुंची थी तब हार्दिक पटेल ने यात्रा में शिरकत की थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे थे। हार्दिक पटेल की विरमगाम से मैदान में उतरने की चर्चा है। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के लाखा भाई भारवाड़ 2017 में 6548 वोटों से जीते थे। 2012 में भी इस सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, तब डॉक्टर तेज श्रीबेन पटेल यहां से जीती थी। 2017 के चुनावों से पहले तेज श्रीबेन पटेल बीजेपी में शामिल हो गई थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2002 और 2007 में सीट पर कमल खिल चुका है। दोनों चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार जीते थे। अहमदाबाद जिले में आने वाली यह सीट इस बार हार्दिक की संभावित दावेदारी के चलते सुर्खियों में है। पिछले 4 चुनावों को देखें तो सीट पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में हार्दिक अगर यहां चुनाव उतरते हैं तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। चर्चा है कि कांग्रेस हार्दिक पटेल की घेरेबंदी करने के लिए किसी बड़े चेहरे को भी उतार सकती है। अहमदाबाद जिले की यह विधानसभा सुरेंद्र नगर लोकसभा में आती है। यहाँ पर 271,166 मतदाता हैं जो 2022 में नए विधायक का फैसला करेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या हार्दिक पटेल यहाँ पर कोई बड़ा खेला कर पाते हैं या नहीं। देखा आप सभी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ हार्दिक पटेल को एक तगड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये बनता है कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और तमाम ऐसे युवा नेता हैं जिनकी जिम्मेदारियों को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने साफ नहीं करा, कब साफ करते हैं, कब उनके नाम का ऐलान होता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन जानकारी देते चले कि समय समय पर ये सारे कयास भी लगाए गए कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं, वो सियासी समीकरण आने वाले वक्त में हार्दिक पटेल क्या भारतीय जनता पार्टी के करीब ला पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तरफ जा पाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चाहती है कांग्रेस का वो रिकॉर्ड तोड़ना जब कांग्रेस ने 149 सीटें करीब जीती थी और वो 150 सीट जीतने का सपना देख रही है। अब तो हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता भी इनके साथ हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि गुजरात की सत्ता में क्या हार्दिक पटेल कोई बड़ा हेरफेर करते हैं, क्या कांग्रेस को बड़ा झटका देंगे आने वाले वक्त में, और क्या और यहां पर विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे, देखना खासा दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।